नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन झा आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 यूजफुल वर्डप्रेस प्लगइन के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में जो आपके मोबाइल पे, या अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं वर्डप्रेस में, अगर आपका ब्लॉग है तो आपको ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। तो दोस्तों अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है आपने, अगर आप ये सारे टूल्स के बारे में नहीं जानते हैं तो काइंडली इस टूल्स को यूज कीजिए, आपके ब्लॉगिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। और दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ब्लॉगिंग रिलेटेड जो भी अच्छा वीडियो होता है मैं आप तक लेकर के उस इन्फॉर्मेशन को लेकर के आता हूँ। और दोस्तों 6 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सारा कुछ शेयर आपके साथ करता हूँ, इसलिए अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहला जो प्लगइन है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 होता है, जो आपके पेज पे होना ही चाहिए। अगर आप ब्लॉगिंग वर्डप्रेस में आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो आप सबसे पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आप अपने में इंस्टॉल कीजिए। इसका यूज होता है आप कॉन्टैक्टस पेज जो बनाते हैं वो बनाने में आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि जो ट्रैफिक आपके पास आ रहा है उसमें अगर आप उसके आप ईमेल आईडी और फोन नंबर अगर आप उसका लेना चाहते हैं तो आप उस टूल्स की वजह मतलब हेल्प से आप उसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों बहुत यूजफुल टूल्स है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आपको यूज करना है। दूसरा टूल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स जो है इसका यूज किया जाता है आपके ट्रैफिक के बारे में, आपको आपका कौन सा ट्रैफिक जो है आपका पेज का कौन सा पोस्ट ज्यादा पढ़ना चाहती है, तो आप अपने ट्रैफिक के बारे में जो भी उसको समझना चाहते हैं तो आप गूगल एनालिटिक का यूज करके आप अपने ट्रैफिक का जो बिहेवियर है वो आप पहचान पाते हैं कि ये किस टाइप का इन्फॉर्मेशन वो आपसे जानना चाहता है, तो आप उसी का रिलेटेड पोस्ट करते हैं जिससे आपके ब्लॉग का ट्रैफिक जो होता है वो बढ़ता है और सब्सक्राइबर बढ़ता है। तो ये आपका जो चीज होता है, ये इस चीज के लिए आपको गूगल एनालिटिक को समझना होगा, उसको यूज कैसे करते हैं। तो अगर वो समझने के लिए अगर आप मुझे जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तीसरा टूल्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है वन सिंगल पुश नोटिफिकेशन जो होता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी ब्लॉगिंग के लिए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके रीडर हैं वो अगर ये जो आप ऑप्शन देते हैं अपने ब्लॉग पेज में, अगर ये जो वन सिंगल पोस्ट नोटिफिकेशन को वो अगर अलाउ कर देते हैं तो जो भी आप पोस्ट करेंगे उसका नोटिफिकेशन उन तक आएगा। तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपको अगर रिपीटेटिंग ट्रैफिक चाहिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो ये जो वन सिंगल पुश नोटिफिकेशन है ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा वर्डप्रेस में। चौथा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है वर्ड डिफेंस सिक्योरिटी। दोस्तों जो आपका ब्लॉग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके लाइफ का, क्योंकि आप जो भी मेहनत से आप बना रहे हो आप नहीं चाहोगे कि वो कोई अनऑथराइज यूजर द्वारा हैक किया जाए, तो दोस्तों आप उसमें सिक्योरिटी प्रदान करते हो। तो ये जो WP डिफेंस जो होता है ये आपको बहुत ही अच्छा वर्डप्रेस के लिए सिक्योरिटी प्लगइन है। इसका यूज करके आप अपने ब्लॉग को सिक्योर रख सकते हैं, मालवेयर से भी बचा सकते हैं दोस्तों, स्पैम से भी बचा सकते हैं, तो ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको ये प्लगइन भी आपके ब्लॉग में होना चाहिए दोस्तों। पांचवा दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि ये आपका जो ब्लॉगिंग स्पीड है ये बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, ये सुपर कैचे, WP सुपर कैचे जो होता है उसका यूज आप कीजिए। आपके ब्लॉग का जो ये टेम्पररी कैचे जो होता है ये बहुत जल्दी क्रिएट करता है, जिस कारण से आपका जो लोड टाइम होता है ब्लॉग का वो बहुत कम हो जाता है, जिससे आपके ब्लॉग में जो आपको पता होगा कि ब्लॉग ट्रैफिक जो होता है आपके लोड टाइम पे भी डिपेंड करता है, तो जो भी पोस्ट आपका लाइट वेट होता है जल्दी से खुल जाता है उसको वायरल होने का चांस ज़्यादा होता है दोस्तों। तो इस टूल्स को भी आपको यूज करना है। तो ये पांचवा सबसे यूजफुल टूल्स है जो आप वर्डप्रेस में यूज कर सकते हैं। छठा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आप सभी का फेवरेट पार्ट है, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप हर कोई चाहते हैं कि आपके ब्लॉग पे बहुत अच्छा ट्रैफिक आए, तो इसके लिए आप ऑन पेज तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते ही हैं, आप अच्छा कीवर्ड लिखते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, वो तो आपका ऑन पेज हो गया। और अगर आप उसको लेवल वगैरह आपको अच्छा से क्रिएट करना है, आपको टैग अच्छा क्रिएट करना है, तो आपको योस्ट सॉफ्टवेयर का, योस्ट SEO का यूज करना होता है।
योस्ट एसईओ आप एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ करने का जरूरत नहीं होता है। ये आपका बाकी ऑन पेज के अलावा जो भी आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो भी काम होता है ये आपका कंप्लीट कर लेता है। तो योस्ट एसईओ आपको वर्डप्रेस में इंस्टॉल करना होगा दोस्तों, ब्लॉगर में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। योस्ट एसईओ आपको सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस के लिए ही अवेलेबल है, तो आपको वर्डप्रेस में इंस्टॉल करना पड़ेगा। सातवां जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये है डब्ल्यूपी एडिट। डब्ल्यूपी एडिट का यूज क्या है दोस्तों, अगर आप अपने ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा सिंबल का यूज करना चाहते हैं, ग्राफिक का यूज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इमोजी का यूज करें, आप उसको एक डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कॉन्टेक्ट अस या अबाउट अस का जो है वो सारा सा डिफाइन किया हुआ जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है वो आपको मिले, तो आपको डब्ल्यूपी एडिट का यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, और मैं दोस्तों बोलता हूँ कि आप अगर ये डब्ल्यूपी एडिट लगा देते हैं तो आप बेसिक नॉलेज भी आपके पास अगर ब्लॉगिंग का है तो आप ब्लॉग बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं अभी तक आपको ये सातवें नंबर पर बता रहा हूँ, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लॉगिंग का दोस्तों। ये आप हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको डब्ल्यूपी एडिट जो है वो हमेशा आपको यूज करना ही करना है। आठवां मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ये आप जानते हैं कि जब आप ब्लॉग लिखते हैं तो आपके बहुत सारे हेटर भी होंगे। जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूं तो बहुत सारे लोग गलत कमेंट भी करते हैं, बोलते हैं कि यार आप गलत मतलब वीडियो बनाते हो, आप उसमें कुछ एडिट नहीं करते हो, इंट्रोडक्शन नहीं डालते हो, घंटा बजाने के लिए आप नहीं बोलते हो, ये नहीं। दोस्तों मेरा मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद शेयर करोगे, आप खुद अच्छा लगेगा आप खुद सब्सक्राइब करोगे, इसलिए मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता हूँ और मैं वो सब चीज़ों पे ध्यान ही ज़्यादा नहीं देता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा दे रहा हूँ तो मेरे पास व्यू आएंगे, लेकिन फिर भी कुछ चमन लोग हैं जो जाके नीचे कमेंट में जाकर के कुछ कमेंट करते रहते हैं। उसी तरह जब आप ब्लॉग पब्लिश करते हैं तो कुछ लोग होंगे जो नीचे आकर के आपको गलत कमेंट करेंगे। आपको क्या करना है ना दोस्तों, आपको ये वाला यूज करना है, अकिस्मत यूज करेंगे। जो ही आपका फॉल्स स्पैम कमेंट जो होगा वो उसको सीधे ब्लॉक कर देगा, जो भी गलत कमेंट होगा उसको आप वो सीधे ब्लॉक कर देगा। इससे क्या होगा ना, गूगल एडसेंस पे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो देखिए वो कमेंट भी वो कंटेंट के रूप में लेता है, तो आपका कंटेंट अगर खराब होगा उस दूसरे किसी चमन समझ गया ना उसके चलते अगर मानते हैं आपका ब्लॉग का कंटेंट खराब होगा तो उससे बेटर है कि आप जो है आप उसको स्पैम करके आप उसको हटा दें। तो ये सारा चीज के लिए आपको अकिस्मत यूज करना होगा। नौवां जो बहुत बढ़िया चीज मैं बताने वाला हूँ वो है जेटपैक। अगर आप जेटपैक यूज करते हैं तो दोस्तों ये आपका सच में जेटपैक ही है। वो जेटपैक आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपका ट्रैफिक दिलवाता है। अगर आपका ब्लॉग में आपने बहुत सही सब कुछ किया हुआ है तो जेटपैक जो है एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से लेकर के किस समय इस आपके ब्लॉग को पब्लिश करना है, कि आप कितने कंटेंट का आपने लिखा है, आपका किस टाइप का ब्लॉगिंग के लिए आपसे वो डिमांड किया जा रहा है या कीवर्ड क्रिएशन हो गया, ये सारा कुछ जेटपैक में आपको मिल जाता है दोस्तों। तो ये एक एडिशनल टूल्स है, लेकिन आप इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से आप इसको डाल ही लेंगे। तो ये नौवां मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज था जो आपको अपने ब्लॉग पे रखना है अगर आप वर्डप्रेस पे अपलोड कर रहे हैं तो। और दसवां, अगर आप अपने ब्लॉग पे इमेज डालते हैं तो आप हमेशा चाहते हैं कि जो आपका इमेज हो लाइट वेट हो, क्योंकि आपका जो इमेज होता है उसके चलते कई बार आपका ब्लॉग का स्पीड कम हो जाता है। तो आपको क्या करना है, डब्ल्यूपी स्मश का आपको यूज करना है। याद कर लीजिए डब्ल्यूपी स्मश अगर आप वर्डप्रेस में डालेंगे तो आपका जो भी आपका इमेज होगा वो आपको उसको कंप्रेस्ड करके लाइट वेट में ही इतना कंप्रेस कर देगा कि आपको आपका जो ब्लॉग का स्पीड है वो नॉर्मल ही रहेगा कितना भी इमेज यूज करने के बाद ही। तो डब्ल्यूपी स्मश आपको यूज करना है कभी भी अगर आप वर्डप्रेस ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो, अगर आपको इमेज उसमें डालना है तो आपको डब्ल्यूपी स्मश यूज करना है। दोस्तों ये 10 यूजफुल टूल्स है जो आपको वर्डप्रेस में यूज करना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी नया नया मैंने वीडियो बनाना चालू किया और आपके सब लोगों की सब्सक्रिप्शन की मुझे ज़रूरत है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। और कुछ प्रॉब्लम हो अगर आप ये सारे 10 टूल्स के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं, एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं, कॉमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। और अगर ब्लॉगिंग में अगर आप मुझसे ब्लॉग बनवाना चाहते हैं जिसको आप गूगल एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए सारे टिप्स के साथ में, तो हमारा एक नॉर्मल सा फीस है वो पे करके आप उसको बना सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे नीचे में मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप उसको भी बता सकते हैं दोस्तों। वीडियो जो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है और बहुत अच्छा से सब्सक्राइबर बढ़ रहा है अब, थैंक यू, धन्यवाद।